सीन वन टेक टू एक्शन। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। तो किड्स, एग्जाम का भूत खत्म होने के बाद पार्टी तो बनती है विद अडोरेबल भूतनाथ, क्योंकि ये भूत डरावना नहीं मजाकिया है। इस फिल्म में लीड रोल्स निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन एज भूतनाथ, पार्थ भालेराव एज बदमाश अखरोट, और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे बमन ईरानी एज अ करप्ट पॉलिटिशियन, इवन शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर छोटे कैमियोज में। ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स है, सो कम पार्टी विद द भूतनाथ एंड रिलैक्स मैन। एंड टू डाइवर्ट द ऑडियंस अटेंशन फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड, गेट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नील बर्गर ने, और इसकी लीड कास्ट में हैं शैलिन वुडली, थियो जेम्स और केट विंसलेट। पेरेंट्स नीड टू नो, बॉलीवुड के भूतनाथ को टक्कर देने आई है बच्चों को लुभाने वाली चुलबुली बर्डी ब्लू इन द मच अवेटेड रियो 2। मजे की बात यह है कि इन द बॉलीवुड वर्जन आपको स्टार सोनाक्षी सिन्हा और इमरान खान की आवाजें भी सुनाई देंगी, फीचरिंग द एंटायर स्टार स्टारेड कास्ट ऑफ द ओरिजिनल मूवी। और ये कलरफुल एनिमेटेड टेल लुक्स लाइक अ फन पिक फॉर द एंटायर फैमिली। But Hollywood is not done yet. They are back with yet another horror film, Oculus, जिसको डायरेक्ट किया है Mike Flanagan ने। इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई देंगे Karen Gillan और Tim Russell। तो क्या ये Oculus भूतनाथ के बॉक्स ऑफिस को ऑक्यूपाई कर पाएगी, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। सो गेटिंग ऑन विद आवर फर्स्ट फिल्म, भूतनाथ रिटर्न्स को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। भूतनाथ के सीक्वल में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे बमन ईरानी और पार्थ भालेराव। दिस फिल्म इज नॉट ओनली फन फॉर द बच्चा लोग। तो क्या भूतनाथ बॉक्स ऑफिस की बूथ कैप्चरिंग कर पाएंगे, आइए फाइंड आउट करते हैं। 2008 में रिलीज हुई भूतनाथ का सीक्वल है भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म में हमारे प्यारे भूत परलोक वापस जाते हैं, जहां बाकी सारे भूत उनको बहुत चिढ़ाते हैं बच्चों को ना डराने पर। After this humiliation, भूतनाथ decides कि वो धरती पर वापस जाकर बच्चों को डराएंगे। इसी में भूतनाथ की अखरोट से मुलाकात होती है, जो मुंबई के धारावी स्लम में रहता है, और वो एक ही इंसान है जो भूतनाथ को देख सकता है। यहाँ से भूतनाथ और अखरोट की जर्नी शुरू होती है और उनका एक इनसेपरेबल बॉन्ड बन जाता है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेती है, फोकसिंग ऑन अ पॉलिटिकल सिस्टम और उसे लेकर सारे चैलेंजेस। भूतनाथ रिटर्न्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इलेक्शन टाइम पर रिलीज हो रही है, क्योंकि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, देश को बदलने के लिए वोटिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता चलेगा भूतनाथ रिटर्न्स में। सो विल भूतनाथ बी एबल टू कन्वर्ट इविल पीपल इनटू सिविल पीपल, लेट्स फाइंड आउट। लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन नजर आएंगे एक लंबे समय के बाद एज भूतनाथ। हमेशा की तरह बच्चन साहब ने एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, बट आई गेस इस फिल्म में बिग बी अपने लिटिल कोस्टा को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा अंडरप्ले करते हैं, जो पार्थो की परफॉर्मेंस में साफ दिखता है। दोनों की परफॉर्मेंस की जुगलबंदी लाजवाब है। पार्थ ने अपने कैरेक्टर को बाखूबी निभाया है और उनकी ये डेब्यू परफॉर्मेंस इज एट पार विद अमित जी। पार्थ की कॉमिक टाइमिंग उनके कोस्टा अमिताभ बच्चन के साथ परफेक्ट है, एंड ही शोर टू बिकम अ लिटिल स्टार इन द कमिंग ईयर्स। वहीं ब्रिलियंटली मीन पॉलिटिशियन बमन ईरानी डज जस्टिस टू हिज कैरेक्टर। भूतनाथ रिटर्न्स नितेश तिवारी की चिल्लर पार्टी के बाद दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है। इसमें उन्होंने बहुत ही बाखूबी पार्थो से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाली है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में स्ट्रेच होने के कारण अपना मोमेंटम लूज कर देता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अखरोट एंड स्लम इशूज। द स्टोरी इज सिंपल एंड फेमिलियर विद सम न्यू ट्विस्ट एडेड बाय भूत जी। कॉमिक पंचेज आर फनी एंड द डायरेक्शन इज एवरेज। ये फिल्म हमें स्लमडॉग मिलियनेयर की भी याद दिलाती है। डायरेक्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को बहुत ही लाइट हार्टेडली अपने ऑडियंस से बयां किया है, एंड दिस जॉनर विल अपील टू बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। भूतनाथ रिटर्न्स का म्यूजिक दिया है राम संपत और मीन ब्रदर्स अनजान ने। पार्टी तो बनती है जिसे गाया है मीन ब्रदर्स अनजान और मीका सिंह ने। एक फुट टैपिंग डांस नंबर है जिसको सुनकर आप जरूर पार्टी करना चाहेंगे। हर हर गंगे एक फास्ट पेस सॉन्ग है जिसको गाया है अमंत्रिका ने। इस गाने के लिरिक्स बहुत ही पावरफुल हैं बाय कुंवर जुनेजा। योयो हनी सिंह की मैजिकल आवाज और लेजेंडरी अमिताभ बच्चन की पाप पैक डांस परफॉर्मेंस सॉन्ग पार्टी विद द भूतनाथ को एक चार्ट बस्टर सॉन्ग बना देता है, जिसको आप रिपीट में सुनना चाहेंगे। धारावी रैप को गाया है अनीश और फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट पार्थ भालेराव ने। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफी रिफ्रेशिंग है और इसका रैप भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर सॉन्ग। साहिब गाना जिसे बहुत अच्छी तरह गाया है ऋतु राज ने, एक स्लो और सो टचिंग सॉन्ग है। ओवरऑल भूतनाथ रिटर्न्स का गाने काफी अच्छे हैं।
दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ भूतनाथ रिटर्न्स, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ डाइवर्जेंट, रियो 2 एंड ऑक्यूलस द इंग्लिश फिल्म्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया भूतनाथ रिटर्न्स का मेरा रिव्यू, लेकिन विल द बच्चास पार्टी विद दिस भूतनाथ, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। 2014 के हमारे महत्वपूर्ण जनरल इलेक्शन से पहले रिलीज हुई भूतनाथ रिटर्न्स एक काफी रेलेवेंट मैसेज लेकर हाजिर होती है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वोट, वरना हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। इट टेक्स एन एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ भूत हु स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस अगेंस्ट अ करप्ट पॉलिटिशियन, और वो काफी मुद्दों को लेकर लड़ता है, जैसे बेसिक वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई। स्टोरी सिंपल और इंटरेस्टिंग है और मैसेज सही है, लेकिन इट गेट्स टू प्रीची एंड जैसे कि पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्रीज फील देती है। काफी सारे सीन्स लंबे हैं और कुछ एडिट भी हो सकते हैं। चाइल्ड स्टार अखरोट के अमिताभ बच्चन के साथ मोमेंट्स बहुत फिल्म की सेविंग ग्रेस हैं। बमन डज हिज यूजुअल एक्ट एंड अमिताभ बच्चन इज एंड्यूरिंग एज द गोस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम नॉवल्टी इस फिल्म का लेक्चर मोड और रेपिटेटिवनेस इसे स्लो डाउन करता है। स्टिल वॉच इट फॉर द लवेबल गोस्ट। भूतनाथ को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स। इस हफ्ते हॉलीवुड की तरफ से एक्शन थ्रिलर डाइवर्जेंट रिलीज हुई है। डाइवर्जेंट एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया नील बर्गर ने। इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट बियट्रिस ट्रिस प्रायर को शैलिन वुडली ने निभाया है। थियो जेम्स ने ट्रिस के सपोर्टिंग मेंटर विद बेनिफिट्स टोबियास फॉर ईटन का किरदार प्ले किया है। केट विंसलेट ने फिल्म के विलन जैनिन मैथ्यूज का रोल निभाया है। तो क्या यह पाप पैक एक्शन थ्रिलर आपको थ्रिल कर पाएगी, ये जानने के लिए देखिए मेरा रिव्यू। डाइवर्जन का प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटोगनिस्ट ट्विस्ट, जो अपनी दुनिया के 5 फैक्शन यानी कि ग्रुप्स के बीच में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हुए स्ट्रगल करती है। इस जर्नी के दौरान शी डिस्कवर्स कि वो डाइवर्जेंट है, जो कि कोई भी ग्रुप में नहीं फिट होती। सून ट्रिस रियलाइजेस कि फैक्शन लीडर डाइवर्जेंस को मारना चाहते हैं और अपने मेंटर फोर की मदद से इसे रोकने में लग जाती है। डाइवर्जन इनिशियली काफी एक्साइटिंग और ग्रिपिंग है, लेकिन इंटरवल के थोड़े पहले अपना मोमेंटम लूज कर देती है। सेकेंड हाफ में फिल्म अनबेरेबली लंबी है और उसके स्ट्रॉन्ग एक्शन सीन्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ट्विस्ट का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग बोल लड़की का है जो अपने सराउंडिंग्स को चैलेंज करती है। दिस कुड स्ट्राइक अ कॉर्ड विद ऑल द टीनेजर्स वेटिंग टू स्प्रेड देयर विंग्स। फिल्म के डायरेक्टर नील बर्गर की कोशिश फिल्म का रस्टिक डिलेबरेटेड लुक, रोमांस और लाइट हार्टेड मोमेंट्स को लेकर काफी हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन ये फिल्म इंसेप्शन, हैरी पॉटर और हंगर गेम्स की याद दिलाती है। सो फॉर ऑल द लिटिल गर्लीज ट्राइंग टू फाइंड सम इंस्पिरेशन, डाइवर्जन डज गिव यू दैट इन बिट्स एंड पीसेस, बट फॉर द रेस्ट द फिल्म इज जस्ट अ यॉन। रेटिंग 2 स्टार्स। इट्स बच्चा पार्टी वीक ऑलरेडी, नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रीट फॉर द लिटिल वंस इन रियो 2। एक सक्सेसफुल फर्स्ट पार्ट के बाद एनिमेटेड फिल्म रियो इज बैक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्लोस सल्धाना ने और जैसे आइसनबर्ग, एन हैथवे, जेमी फॉक्स जैसे फेमस स्टार्स ने अपनी वॉइसेस लेंड की हैं इस फिल्म को। तो क्या रियो 2 अपनी प्रीक्वल से जैसे इम्पैक्टफुल हो पाएगी, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा रिव्यू। तो आइए देखते हैं। ब्लू जुएल ऑन के 3 बच्चों को एमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आना पड़ता है, जहां वो अब अपना घर बसा चुके हैं, अपना शहर रियो डी जेनेरो को छोड़कर, सिर्फ अपने ट्राइब स्पिक्स मैकॉ को ढूंढने के लिए। ये स्टेप वो जब लेते हैं जब उनके ओनर्स लिंडा और तुलियो एक एक्सपेडिशन के समय ब्लू की ट्राइब से एक बर्ड को स्पॉट करते हैं। मैजिकल रेन फॉरेस्ट में आने के बाद ब्लू की लाइफ बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है और उसके चैलेंजेस उसकी न्यूली फाउंड फादर इन लॉ और ओल्ड नेमेसिस नाइजर से शुरू होती है। फिल्म काफी मजेदार है और बच्चों को खास पसंद आने वाली है। फिल्म का एडिट काफी क्रिस्प है और ब्लू के एडवेंचर्स के साथ आपको भी अपने सीट के एज पर रखेगी। फिल्म में अच्छी कॉमेडी है जो आपको हंसाने में काफी हद तक कामयाब होगी। फिल्म के 3D इफेक्ट्स इंपैक्टफुल हैं और म्यूजिक ठीक ठाक। माय वर्डिक्ट इज दैट दिस इज अ स्वीट सिंपल एंटरटेनर दैट इज थरली एंजॉयबल एंड मेक्स फॉर अ परफेक्ट फैमिली आउटिंग। आई रेट दिस मूवी 3 स्टार्स। हॉरर सीजन को कायम रखते हुए हॉलीवुड सर्व्स अस ऑक्यूलस, जिसको डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने। इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई देंगे कैरन जिलन एज काइली और टिम रसल एज ब्रेंडन थ्वाइट। तो क्या यह हॉरर फिल्म आपकी नींद उड़ा देगी, इसका पता चलेगा मेरे रिव्यू में। तो आइए देखते हैं। फिल्म ऑक्यूलस का प्लॉट 2 यंग सिबलिंग्स काइली और टिम को लेकर रिवॉल्व करता है। 10 साल पहले टिम को उनके फादर के मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया गया था और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इसी दौरान काइली अकेले ही अपनी जिंदगी बिताती है और पूरे टाइम ये बिलीव करती है कि उसकी फैमिली का सिचुएशन एक हॉन्टेड मिरर की वजह से है। टिम के रिलीज होने पर काइली डिटरमाइंड टू प्रूव दैट वो हॉन्टेड मिरर ही उसके फैमिली की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, और इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए वो अपने भाई टिम को भी इन्वॉल्व होने के लिए कन्विंस कर देती है। अब सच जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑक्यूलस।
पूरी फिल्म फ्लैशबैक में चलती है। फिल्म हॉरर कम और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री ज्यादा लगती है, जो आपको डराने के बजाय बोर और इंपेशेंट कर देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही आप फिल्म का कंक्लूजन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिल्म में एक्टर्स की पावरफुल परफॉर्मेंस और उसके कुछ रॉ सीन्स भी उसे डूबने से नहीं बचा सकते। अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। मैं ऑक्यूलस को देता हूँ 2 स्टार्स। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। बहुत अच्छी फिल्म लगी है और इस टाइम में ये होना भी चाहिए था जो हमारे देश में परिवर्तन का चल रहा है। वेरी नाइस मूवी। अमिताभ जी, बम्मन ईरानी एंड स्पेशली द चाइल्ड, दे ऑल आर ऑसम। वेरी नाइस, आई लव्ड इट। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है, कहीं मत जाइए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरथकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। कांची का नया गाना ठुमका एक फास्ट और पेपी नंबर है, जिसको सोनू निगम और सुजान डिमेलो ने गाया है। इस डांस नंबर में ठुमका लगाते हुए दिखाई देंगे बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर, जो आज की बदतमीज दिल जनरेशन को भी थिरकने पर मजबूर कर देंगे। दिस सॉन्ग विल सून बिकम अ पार्टी एंथम। द एक्सपोज फिल्म का गाना आइसक्रीम एक फुट टैपिंग पार्टी नंबर है। इस सॉन्ग के आवाज के पीछे हिटमेकर हिमेश रेशमिया, रैपर योयो हनी सिंह और पलक मुच्छल हैं। इस सॉन्ग के लिरिक्स के काफी क्लेवरली यूज किया गया है पुरानी फिल्म जस्टिस चौधरी से इंस्पायर्ड होकर। इस सॉन्ग का फील आरडी बर्मनिश के ट्यून्स और डॉन का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग मोनिका ओ माय डार्लिंग की याद दिलाता है। ये पेपी सॉन्ग के अंतरे में फास्ट मोमेंटम है एंड इस वीडियो के कैबरे मूव्स के लटके झटके के साथ इट इज सून बिकमिंग अ ह्यूज हिट। एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। तीसरे नंबर पर है रागिनी MMS 2, जिसका थर्ड वीक का कलेक्शन है 1.75 करोड़ और रागिनी MMS 2 फिलहाल 1,210 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 46.4 करोड़ रुपीस। दूसरे नंबर पर है क्वीन, जिसके फिफ्थ वीक का कलेक्शन है 2 करोड़। क्वीन फिलहाल 506 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 54.5 करोड़। एंड ऑन नंबर 1 इट्स मैं तेरा हीरो, जिसके पहले हफ्ते का कलेक्शन है 34 करोड़, जो फिलहाल 2200 थिएटर्स में चल रही है। पहले इस हफ्ते रिलीज हुई भूतनाथ रिटर्न्स को 20% की ओपनिंग मिली है, ये फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है अक्रॉस इंडिया। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। भूतनाथ रिटर्न्स को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, रियो 2 को मैंने दिए 3 स्टार्स, ऑक्यूलस को मैंने दिए 2 स्टार्स एंड डाइवर्जेंट को मैंने दिए 2 स्टार्स। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। प्लीज सेंड अस योर फीडबैक ऑन ट्विटर @ Zoom TV एंड facebook.com/zoomtv. नाउ यू कैन ऑल्सो वॉच आवर एपिसोड्स ऑन youtube.com/zoomtv एंड dailymotion.com/zoomtv. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ Zoom TV with #ZoomReview. Film review करने का मौका आपको भी मिल सकता है. All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. And dosto, now it's time to say goodbye. Lekin don't forget to tune in because I'll be back next week at 6:30 p.m. only on the Zoom Review Show. Tab tak aap enjoy kijiye by watching Zoom India's number one Bollywood channel. Main hoon aapka dost Umar Qureshi saying bye bye and God bless.